एक आदमी पांच पांच कंडीशन करवाने दे और जो आज में पानी जा जाए। अब नलों में तो यही है कि कोई तो जीवार में खोल रहा है, कोई क्या में खोल रहा है, कोई चार कनेक्शन कर रहा है, कोई पांच कनेक्शन कर रहा है, बस बात ये हजिया से कोई सुनता ही नहीं है। पांच साल हो गई मेरे को सर, मेरे को आठ साल हो गई कनेक्शन कराई हुई, एक रोज भी पानी नहीं भरा। साफ सफाई भी नहीं होती हमारे वार्ड में, तो पानी की सुनाई भी नहीं हो रही हमारे वार्ड में। अगर वार्ड पंच को बोला तो वार्ड पंच ये बोला टैंकर का पानी पीने का नहीं आता, खराब पानी है तो उसमें कीड़े आते हैं। अब सब ने कह दिया, कोई भी सुना ना, वार्ड पंच को भी कह दिया, सरपंच को भी कह दिया। क्या बोलते हैं वो लोग? करांगा करांगा हरकत भी करे ना, क्या की सुबद्धा। अवध कनेक्शन है, इनको काटा जाए और यहाँ वाल जोड़ा जाए तो सारे पानी आ जाएगा। हमारे को चाहे आधे घंटे की सप्लाई दो, मगर आधे घंटे में ही हम संतुष्ट है, एक वाल लगा दिया जाए हमारे लिए। एक एक आदमी के चार चार कनेक्शन है जो जुआर में पानी जा रहा है। हम फोन करे कल विधायक जी को, हमारा फोन नहीं उठाया विधायक जी, हमारा कोई फोन नहीं उठाया। हम पानी की समस्या की वजह से ही तो हम फोन करें, किसको करें। इन दिनों गर्मी काफी तेज पड़ रही है और पानी की बूंद बूंद के लिए ग्रामीण इस समय तरस रहे हैं। हम इस समय नानपुर कस्बे के वार्ड नंबर 4 बूथाला की डानी में इस समय मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में महिला और पुरुष हमारे पीछे इस समय खड़े हैं। इनकी जो मुख्य समस्या है वो पानी की समस्या है, पीने के लिए ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। काफी समय हो गया इनको, इनके यहाँ नल कनेक्शन लगे हुए हैं लेकिन उन नलों में पानी नहीं आता है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण और महिलाएं मौजूद है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? पूरण सैनी। पूरण जी, कितना समय से आपके पानी वगैरह नहीं आ रहा? यहाँ तो 3-4 महीने हो गए हम आए तो, और उधर तम तम साल में हुए जी। क्या आदमी ने बोला, क्या कारण है जिसकी वजह से समस्या आ रही है? यहाँ कंडीशन है ना बहुत, एक आदमी पांच पांच कंडीशन कर माने दे और जो आज में पानी जा जाए ना, मतलब वो पानी पूछता नहीं है, हमारे पास आएगा जल्दी तो पानी आएगा, पानी खत्म है यहाँ का। कितने कनेक्शन है टोटल यहाँ पर? वही कम से कम, ज्यादा से 20-25 कम से कम 50 कनेक्शन होंगे ठेर से लेठेर तक। कितने समय से पानी नहीं आ रहा है? लाइन तो कम से कम 1.5 साल होगी, आई लाइन मत गए तो 1.5 साल होगी अब दिन पानी कौन आ रही हो। कारण क्या है पानी नहीं आना नलों में? अब नलों में तो यही है कि कोई तो जीवार में खोल रहा है, कोई क्या में खोल रहा है, कोई चार कनेक्शन कर रहा है, कोई पांच कनेक्शन कर रहा है, बस बात ये हजिया से। और कोई उनको कोई समाधान कौन, तीन चार कनेक्शन हो रहा जी और मोटा लियो। तो आप देख सकते हैं अवैध कनेक्शन बड़ी समस्या है, एक व्यक्ति के तीन चार कनेक्शन यहाँ लग रहे हैं। और इनकी लोगों की शिकायत है कि जो जवार है वो भी जो नलों के पानी है उनसे ही हो रही है कई लोगों के। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राधेश्याम मीणा। राधेश्याम जी, क्या समस्या है, पानी की समस्या कैसे बन रही है? समस्या बन रही है सर, तेना जी 5 साल हो गए मेरे नलका को नारे वार्ड नंबर 2 में, और वहाँ ऑफिस में भी जाया कर्मचारियों के पास में, कोई नहीं सुनते हैं। क्या बोलते हैं? करेंगे करेंगे करेंगे, जैन के पास में भी जाया है और सब कोलियाड़ा के है ना उसके पास में भी जाया, कोई सुनता ही नहीं है। 5 साल हो गई मेरे को। आपका क्या नाम है? राजेंद्र सैनी। राजेंद्र भाई, कितने समय से पानी की समस्या रही आपकी? सर मेरे को 8 साल हो गई कनेक्शन कराए हुए, एक रोज भी पानी नहीं भरा, एक रोज नलका कनेक्शन हुए 8 साल हो गई, एक रोज भी नल नहीं कनेक्शन करवाया। उस समय तो चालू करके दिखाया होगा ना? नहीं, खाली कनेक्शन कनेक्शन दे दिया और पानी आता ही नहीं है। फिर बिल वगैरह आ रहा है ना, बिल आ रहा है, बिल मैंने 3 भरे थे, उसके बाद में कोई बिल नहीं आया। क्या नाम है बाबा? बनवारी लाल प्रजापति। जैसे कितने समय से पानी की समस्या, अधिकारी को आपने बताया कभी? हमने अधिकारियों को सबको सूचना दे दी, हमने सरपंच को भी दे दी, विधायक को भी दे दी, इनको भी दे दी, जैन को भी दे दी, हमारी कोई सुनाई नहीं करता, वार्ड पंच तक भी हमारी सुनाई नहीं करता। साफ सफाई भी नहीं होती हमारे वार्ड में, तो पानी की सुनाई भी नहीं हो रही हमारे वार्ड में। अधिकारी वगैरह भी कोई नहीं सुन रहे? मतलब नहीं, कोई नहीं सुनाई लेता, जाते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, बस यही बात कहते हैं। ठीक है साहब, सुन लिया आपका, हो जाएगा कनेक्शन, हो जाएगा पानी आ जाएगा आपके पास, सफाई हो जाएगी। आप देख सकते हो ये रास्ता पड़ा है और ये जनता तिसाई मर रही है। तो क्या नाम है आपका? महेश। महेश जी, कितने समय से आपके पानी की समस्या? समय हमारे पास में कम से कम 3-4 महीने हो गए। वार्ड पंच को बोला तो वार्ड पंच ये बोला टैंकर का पानी पीने का नहीं आता, खराब पानी है तो उसमें कीड़े आते हैं। टैंकर में, हाँ टैंकर की व्यवस्था नहीं है कुछ। तो पीने के लिए पानी कहाँ से लेकर आते हैं? पीने पास टंकी थी पहले तो, वहाँ शमशान में वहाँ से भर लेते थे, उसको ढा दी न, पहले वहाँ से लिया करते। टैंकरों से अगर व्यवस्था की जाए अभी अस्थायी रूप से तो ठीक रहेगा। अब पूर्ति कौन होनी सब साफ हूँ तो क्यों, अब कोई 2 बाल्टी भर है, कोई 5 बाल्टी, कोई 10 बाल्टी भर भाड़ो भी से, कोई 10 बाल्टी भर भाड़ो भी से, तेरा इंडिया हाइट बड़ा बढ़ूंगी।
कितने समय से पानी की समस्या आ रही है? मारो समस्या आई थी 2-3 साल होगी। सरपंच को या फिर जलदाय युवा के अधिकारी कर्मचारी किसी को बताया होगा? अब सब ने कह दिया, कोई भी सुना ना। क्या नाम है आपका? लाली देवी। कितने समय से पानी की समस्या आ रही है? 8-9 साल होगी पानी नहीं आ रहा हमारे। सरपंच वगैरह से कहा इस बारे में कभी? कह दिया, नहीं सुनी कोई भी। वार्ड पंच को भी कह दिया, सरपंच को भी कह दिया। क्या बोलते हैं वो लोग? करांगा हरकत की सुबद्धा। 8 साल से समस्या है पानी की। हम टैंकर मंगाए, टैंकर के पैसे भी बढ़ गए हैं और ये तो बहुत समस्या है पानी की 7-8 साल से। और ये अवैध कनेक्शन है, इनको काटा जाए और यहाँ वाल जोड़ा जाए एक तो सारे पानी आ जाएगा। अभी कितने घरों में पानी नहीं आ रहा है फिलहाल? यहाँ कम से कम 20 घरों में पानी नहीं है। पहले आता था 8 साल पहले पानी खूब आता था और अब नहीं आता है पानी। क्या नाम है आपका? मान सिंह मेरा नाम है सर। मान सिंह जी, कितने समय से परेशानी आ रही है पानी के लिए? यहाँ से समस्या हमारे क्या है, साल भर से है हमारे इधर चढ़ाई पड़ती है ना, उधर तो पानी जाता नहीं है और जिधर ढाल है उधर में एक एक आदमी के 3-3, 2-2 कनेक्शन है और हमारे चढ़ाई पड़ती है इसलिए पानी जाता नहीं। हम चाहते एक वाल लगना चाहता है, हमारे को चाहे आधे घंटे की सप्लाई दो मगर आधे घंटे में ही हम संतुष्ट है, एक वाल लगा दिया जाए हमारे लिए। चढ़ाई पड़ती है इसलिए हमारे पानी नहीं चाहता। जानकारी में है कि कई लोग हैं वो ज्वार की खेती कर रहे हैं। ज्वार की खेती हो रही है, प्रेजेंट में भी हो रही है, एक एक आदमी के 4-4 कनेक्शन है जो ज्वार में पानी जा रहा है। इस संबंध में जलदाय विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज से पहले भी किया था हमने, उसकी भी बाद में हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। नहीं, अधिकारी को मालूम है कि भाई ये कनेक्शन अवैध है, उसको शिकायत कर रखी हमने। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं तो कोई सरपंच को भी पता है, वार्ड पंच को पता है, सरपंच को भी पता है, वार्ड पंच को पता है, विधायक जी की जो हम फोन करे कल विधायक जी को, हमारा फोन नहीं उठाया विधायक जी, हमारा कोई फोन नहीं उठाया। हम पानी की समस्या की वजह से ही तो हम फोन करें, किसको करें भाई? हम सरपंच को करें, वार्ड पंच को करें, हमारा मालिक कोई हो तो भाई गांव में हम उनके निवास पर सुनवाई की जा रही, वहां जाकर मिलो ना आप एक बार विधायक जी से। तो हम वहां नहीं गए साहब, वहां नहीं गए, हम तो फोन किया था। तो इन लोगों को उम्मीद है कि इनके घर तक भी पानी आए, क्योंकि 2 दिन में एक दिन इनके पानी जलदाय विभाग के द्वारा दिया था लेकिन काफी समय से पेयजल की असुविधा हो रही है इन लोगों को, इनके घरों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। हमने जो जानने का प्रयास किया कि पानी की समस्या इनके कैसे बनी, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आ रही है वो अवैध कनेक्शनों की समस्या यहाँ निकल कर आ रही है। अगर अलग से इनका वाल और अलग से इनका वाल लगाकर कनेक्शन कर दिया जाए तो शायद ये अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। कैमरामैन मुरारी के साथ बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।